हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं TVS का XL100 जो कि BS6 गाड़ी हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। इसका एक्सेलेरेटर प्रॉब्लम है जो कि बार बार एक्सेलेरेटर छोड़ दे रहा है। जब रेस ले रहे हैं तो एक्सेलेरेटर चक्का एक ऑटोमेटिक मतलब कि बंद हो जा रहा है दोस्तों, बंद नहीं हो रहा है, रेस ही छोड़ दे रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको जानेंगे कि कहाँ से इसका दिक्कत आ सकता है, कैसे इसका दिक्कत आता है दोस्तों, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। देख सकते हैं अभी गाड़ी ज़्यादा रन भी नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए हम बताते हैं आपको, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है दोस्तों। इसका गाड़ी में प्रॉब्लम जब ऐसा आएगा तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाएगी इसीलिए आप बने रहिएगा वीडियो में। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक्सेलेरेटर को ले रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका चेक इंजन लाइट जल जा रहा है। जब एक्सेलेरेटर ले रहे हैं, जब वो छोड़ रहा है तो चेक इंजन लाइट आपका जल जा रहा है। इसका मतलब ये है, चेक इंजन का मतलब ये रहा आपका कि एरर कोड उसमें दे रहा है दोस्तों कि कुछ फॉल्ट है। अब कहाँ फॉल्ट है दोस्तों, उसको कैसे पता करें यार, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक दोस्तों। देख सकते हैं सब कुछ एकदम क्लियर ही आपको लाइव प्रूफ के साथ में आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं दोस्तों। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहला नंबर तो दोस्तों आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला नंबर आपको ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका जो फ्यूल का कंप्रेसर जो होता है, फ्यूल क्या सही तरह से जा रहा है कि नहीं, इसको आपको चेक कर लेना है दोस्तों। अगर यहाँ से सही तरह से फ्यूल जा रहा होगा दोस्तों, देख सकते हैं कनेक्शन कहीं से ना कहीं से लूज है, ताकि मतलब कि इसमें दिक्कत आ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम कनेक्शन के देख लेते हैं कहाँ कहाँ से लूज है दोस्तों। सबसे पहला नंबर तो आपको यहाँ से फ्यूल देख लेना है कि क्या इसमें आ रहा है कि नहीं दोस्तों। इसमें अगर आ रहा होगा तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो स्टेप बता रहा हूँ वो स्टेप को आप फॉलो कीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। कोई भी गाड़ी हो आपका BS6 में XL100 की, या फिर कोई भी अदर कंपनी का आपको गाड़ी का वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ चाहते हैं कि हाँ इस गाड़ी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है भैया, तो वो चीज़ को मैं ज़रूर आपको बताऊँगा दोस्तों। उसकी ये सही होगा तो उसके बाद से आपको यहाँ पर एक फ्यूज रहता है जो कि इसको आपको चेक कर लेना है दोस्तों। अगर ये आपका लूजिंग रहेगा, लूज रहेगा तो दोस्तों आपका ये जो है कंप्रेसर छोड़ने वाली जो है बीमारी ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसको हम देख लेते हैं दोस्तों। दो ही चीज़ से आपको स्टेप से आता है, एक तो ये फ्यूज लूज रहेगा तो आएगा, या तो फिर आपका उसमें का फ्यूज जो उस वाला पेट्रोल आपका सही तरह से सप्लाई नहीं देगा तब आपका ये दिक्कत आएगा दोस्तों। यही सब दिक्कत आपको आएगा दोस्तों। ये बहुत ही आसानी से आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छे से तरह से बताने वाला हूँ दोस्तों। देख सकते हैं अभी हमारा फ्यूज भी लूज था, जिसके कारण से हमारा सही तरह से काम नहीं कर रहा था एक्सेलेरेटर दोस्तों। उसको तो हम टाइट कर दिए, फिर चेक कर लेते हैं दोस्तों कि अब मेरा एक्सेलेरेटर सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में अंत तक दोस्तों। बहुत ही अच्छा से हम आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों, जो कि देख सकते हैं दोस्तों एक्सेलेरेटर ले चुके हैं दोस्तों, चक्का को नच रहा है दोस्तों, और देख सकते हैं अभी बंद होने वाला कोई ऐसा समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा बहुत अभी छोड़ रहा है दोस्तों। तो उसके लिए अभी करना क्या होगा दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों। ये तो आपका स्टेप क्लियर हो गया, यहाँ से आपका कनेक्शन टाइट हो गया और फिर आपका सही हो गया दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मिसिंग कर रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर तो दोस्तों बैटरी का जो होता है कनेक्शन, बैटरी को आपको निकाल लेना है। चलिए हम बैटरी को खोल के निकाल लेते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर दोनों बगल से साइड में पैनल निकाल लेना है, उसके बाद से ये वाला 8 नंबर बोल्ट रहेगा, आपको इसको खोल लेना है। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, खोलने के बाद से आपको यहाँ पे कनेक्शन जो भी है चेक कर लेना है दोस्तों, चेकआउट जो भी कनेक्शन है सबको कर लेना है। चलिए हम इसको कनेक्शन को पूरा को टाइट कर लेते हैं दोस्तों, ये भी कनेक्शन थोड़ा बहुत लूज था दोस्तों। ऐसे करके आपको सबको टाइट कर लेना है दोस्तों। उस बगल देख लेना है दोस्तों कि आपका कहीं उसके कारण कहीं गाड़ी अगर गिर भी जाता है तब भी आपका थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है, जो कि यहाँ से दिक्कत आता है दोस्तों। लेकिन इसको कनेक्शन के पूरा टाइट कर लेना है दोस्तों, उसके बाद से आपको बताता हूँ क्या करना होगा दोस्तों। क्लियरली आपका एकदम बाइक एकदम सक्सेसफुली हो जाएगा, जो कि बन जाएगा बढ़िया तरह से दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये कनेक्शन लूज था, इसको टाइट करने के बाद से देख सकते हैं दोस्तों चक्का कितना रेस से मैं नजर आया, पूरा सिलेक्टर ले चुके हैं दोस्तों। आपको अगर आवाज सुना रहा होगा, देख सकते हैं दोस्तों एक्सेलेरेटर को पूरा नचा रहा है, फिर भी आपका कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आ रहा है दोस्तों। कोई भी छोड़ने वाला एक्सेलेरेटर छोड़ने वाला कोई भी दिक्कत अभी नहीं आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया गाड़ी आपका। देख सकते हैं दोस्तों ये सब
जो भी दिक्कत था, जो फ्यूज का ही दिक्कत था। तो ऐसा कभी भी आपके पास दोस्तों गाड़ी BS6 गाड़ी लेकर आए या फिर कोई भी दिक्कत आए तो आप खुद घर बैठे बना सकते हैं दोस्तों, बस एक फ्यूज के जरिए। दोस्तों फ्यूज लूज कनेक्शन कोई भी लूज होता है ना, तो आपका ये दिक्कत आना चालू हो जाएगा जो कि कंप्रेसर छोड़ छोड़ के देगा। ऐसे लगेगा कि दोस्तों कि ऑटोमेटिक पेट्रोल ही ख़त्म हो गया दोस्तों। तो पेट्रोल ऐसा कुछ नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, बस आपको कनेक्शन को देख लेना है दोस्तों। कनेक्शन आपको सही रहेगा, सब कुछ सही है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।